उद्धव जी को चूज किया गया, कह रहे उद्धव जी बहुत बड़े हैं, उद्धव जी को बहुत सारे संदेश दिए, ये संदेश इसको देना है, संदेश उसको देना है, संदेश उसको देना है। तो उद्धव जी भी अपने विचार करने लगे, अरे हम तो बड़े ज्ञानी भक्त हैं, हम तो इतना ज्ञान PhD है इस विषय में, तो हमारा PhD हो गया, उसमें कन्विंस करें, गांव वालों को कन्विंस करें कौन सी बड़ी बात है, गांव वाले तो है, शहर के लोग थोड़ी है। अगर आपको बोला जा रहा है बड़े कैंप बड़े बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में जाके प्रवचन करना है और आपको गांव में प्रवचन करना है, तो आपके बोलेंगे अरे गांव में प्रवचन करना है तो क्या आसानी तो है क्या। लेकिन हाँ कॉलेज में जाना है तो आप एकदम गांव में जाने के लिए बोलेंगे तो आप इको गाड़ी ले साइकिल भी चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो टिप टॉप एकदम सेंट बिंड मार के एकदम रेडी होकर जाएंगे हम लोग, गाँव वालों को क्या है। तो उद्धव जी सोच रहे अरे स्वर्ग की इत्यादि सब देव सब स्वर्ग से पढ़कर आया हूँ, गांव वालों को कन्विंस करना कौन सी बड़ी बात है, क्या है भगवान इतना परेशान रहते बिना मतलब के, भगवान भी चाहते थे जा बेटा जा ब्रज का जो ग्राइंग स्कूल है ना वहाँ जा, सारा तेरा अखंड सारी सारा ज्ञान का घमंड निकल जाएगा। भगवान कहे है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ भगवान की वाणी है। एक बार अर्जुन जो भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी ना, अर्जुन को भी ऐसी हो गया था कि अरे हम तो स्पेशल है, हम है स्पेशल है एकदम, क्यों तो भगवान ने डायरेक्ट गीता सुनाई, डायरेक्ट भगवान ने, वो भी डायरेक्ट, तो भगवान को तो अहंकार पसंद नहीं, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का अहंकार भगवान स्वयं नष्ट करते हैं। तो भगवान अर्जुन जा रहे थे तो एक जैकल सियार, तो सियार था वो सियार एक मुर्दे को, मुर्दा पड़ा हुआ था और मुर्दे को सूंघ रहा था और बहुत बार सूंघ रहा था, कृष्ण और अर्जुन दोनों देख रहे थे, तो सियार खा नहीं रहा था, पैर छुआ, पैरों में जाकर सूंघ रहा था, हाथों में सूंघ रहा था, आंखों में सूंघ रहा था, मुख में सूंघ रहा था, लेकिन खा नहीं रहा था। तो अर्जुन तो अर्जुन हंस रहा था, अरे क्या मूर्ख है, अभी कुत्ते होते तो खा लेते, सियार मूर्ख है, तो भगवान है। उन्होंने उस सियार को बोला, सियार प्रभु आइए, सियार आए, फिर बोले कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो, बोले मैं देख रहा था कि इस मैं जब सूंघता हूँ प्रभु तो मैं देखता हूँ कि इसने कोई भगवत कार्य किया है कि नहीं किया है, पैर से धाम में चला है कि नहीं चला है, हाथ से नाम जप किया है कि नहीं किया है, कभी आपकी आपकी मंदिर का मार्जन किया है कि नहीं किया है, कोई सेवा की है कि नहीं की है, और मुख से प्रसाद खाया है कि नहीं, कृष्ण कथा बोली है कि नहीं बोली है, तो ये सब मैं विचार कर कहीं नहीं मैं इसको खाऊंगा, अगर ये सब नहीं किया तो मैं एक पापी व्यक्ति का शरीर क्यों खाऊं, और प्रभु उसने कुछ किया ही नहीं था इसलिए मैं नहीं खा रहा था, आंखों से कभी आपके दर्शन नहीं किए थे, साधुओं को भी देखा नहीं था, इसने कभी अपने शरीर से भगवान को प्रणाम आपको प्रणाम नहीं किया, कभी इसने शरीर से वैष्णव को प्रणाम नहीं किया, कानों को सूंघ रहा था कि कृष्ण कथा सुनी है क्या, बोले कृष्ण कथा भी नहीं सुनी थी, तो ऐसे व्यक्ति के खाना क्यों खाऊं, अगर इसने किसी भी अंग में से अगर कुछ भी सेवा कार्य किया होता तो मैं उस अंग को खा लेता। अर्जुन का माथा चुरा गया, अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ आता है, सीआर भी उससे ज्ञानी था। तो यहाँ पर उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अहंकार था, उद्धव भगवान चाहते थे कि इनका भी अहंकार नष्ट होना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे और ज्ञानी भक्त थे, लेकिन उद्धव जी को प्रेम तत्व के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, भगवान चाहते थे कि उनको भेजा जाए, तब उनको भेजा गया। हमारी स्थिति क्या है, ब्रजवासी कृष्ण को भूल नहीं सकते, और हम लोग हमारी स्थिति कि हम लोग कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते, चाहे लाख प्रयास कर ले, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। हम लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण को भुला बैठे हैं और हमारे ये जो संसार है उसी को अपना मानते हैं।